ऑल राइट सो गाइज, आप लोगों को पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का वीडियो मिल चुका है। अब ये तीसरा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इसको हम लोग सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इस चैप्टर के, और फिर आपके क्वेश्चंस पर चलते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर चलते हैं, जो आपको डायरेक्टली MCQ के रूप में आपको RUHS में देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको डायरेक्टली MCQ के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। सो इनको मैं सबसे पहले बता दूं, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन में T। ये आपके होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला। विद्युत धारा का मात्र क्या होता है, सो एम्पियर होता है, और कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। नेक्स्ट, अर्धचालकों में विद्युत धारा किसके कारण होती है, तो अर्धचालकों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन व होल के कारण होती है। आपकी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बात करूं धारा घनत्व का मान कितना होता है, तो J बराबर I अपॉन में A। ये धारा घनत्व और धारा और क्षेत्रफल के बीच में रिलेशन भी आप लोगों को पूछे तो ये बताना है। बाकी अगर मैं बात करूँ धारा घनत्व का एक और फॉर्मूला होता है J बराबर σE। नेक्स्ट, आपके धारा घनत्व का मात्रक कभी कभी पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी धारा घनत्व का मात्रक पूछ लेते हैं। सो धारा घनत्व का मात्रक I का हो जाएगा एम्पियर, और अपन में क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, आपके धारा घनत्व है वो वेक्टर क्वांटिटी, आपके सदिश राशि है। बात करूं अपवहन वेग की, सो अपवहन वेग होता है VD बराबर EE tau अपॉन m। एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बता दूं। एग्जाम में VD आपके किसके समानुपाती होता है, E के, विद्युत क्षेत्र के, ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा गया है। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, VD और E में क्या रिलेशन है, तो आपको बता देना है VD बराबर EE tau अपॉन m। सो अब मैं गतिशीलता की बात करूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर VD अपॉन में E। ये आप लोग रिलेशन याद रखें। गतिशीलता का मात्रक आपको याद रखना है मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आपके गतिशीलता का मात्रक, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। और ये जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो आपके अगला आ चुका है, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड। सो ये क्या होता है, वह विद्युत धारा में संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली MCQ आपके पूछा जाता है। फॉर्मूला बेस इसमें से न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। सो I बराबर होता है NE A VD। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, आप लोग इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट आपके आ जाता है अपवन वेग विभवांतर में संबंध, तो VD बराबर EV tau अपॉन में ML। ये भी इंपॉर्टेंट है अगर डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस और आपके कुछ एक्सेप्शन वगैरह होते हैं वो यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैं ओम के नियम की बात करूँ, सो बच्चा जानता है ओम का नियम, V समानुपाती I, तो V बराबर IR, और R बराबर होता है V अपॉन में IR। का मात्र क्या होता है, ओम ओम ओम। और जे का अन्य फॉर्मूला J बराबर σI, ऊपर बता ही चुका हूँ। ओम के नियम का ये सूक्ष्म रूप है और सदिश रूप है। ओम के नियम का सूक्ष्म एवं सदिश रूप कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपको MCQ देखने को मिल सकता है। सो ओम के नियम का ये शॉर्ट फॉर्म है और सदिश रूप है। और एक और बात, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, आपके R समानुपाती L बाई L होता है, L बाई A होता है। L को बढ़ाने से R बढ़ेगा और A को बढ़ाने से R घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है और लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। ये तो आपका पॉइंट हो गया। सो समानुपाती का निशान रहेगा R बराबर ρL बाई A, और जो रो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, वो पदार्थ की प्रतिदर्श गुण होते हैं, पदार्थ का प्रतिदर्श गुण है। और ये किस पे डिपेंड करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रतिरोधकता का गुण होता है आपके पदार्थ का गुण होता है ये प्रतिरोधकता। और यहाँ से आपको पूछा कि प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो दाब पर, ताप पर, ऐसा कुछ दिया है, और फिर आपको पदार्थ का गुण उसमें सेलेक्ट करके आना। नेक्स्ट आपके आंसर है, पॉइंट है, प्रतिरोधकता आपके जो होती है वो प्रतिरोधकता की विमा आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। विमा के लिए अलग से वीडियो बना हुआ, पूरे जितने भी फिजिक्स के जितने भी विमा और मात्रक हैं वो सारे एक वीडियो में कवर किए हुए हैं। सो उस वीडियो को मिस मत करना, आपके उस वीडियो से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं, और इस वीडियो से भी 2 से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये बता चुका हूँ, प्रतिरोधकता आपकी निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति और बल गुण पर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल व लंबाई से प्रेरित करने से प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और बलाघूर्ण पर ही निर्भर करती है। अब चालकों की प्रतिरोधकता 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 10⁻⁸ से 10⁻⁶ होती है। अब आपके अनओमियम
प्रतिरोधों का उदाहरण आप लोगों को याद रखना है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है ओमीय और अनोमीय में, आपको ओमीय का पूछा जाता है और चार तीन अनोमीय दिए जाते हैं, एक अनोमीय दिया जाता है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, विद्युत उपकरण है जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। नेक्स्ट आपके, और ओम के नियम का पालन किस प्रकार से नहीं करते? ओम का नियम कहता है आर बढ़ाओगे ताप बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, लेकिन ट्रांजिस्टर आपके क्या कहता है, डायोड क्या कहता है, अरे चालक कहते हैं कि ताप कितना ही बढ़ाओ हम तो रेजिस्टेंस कम करेंगे। सो ऐसा कुछ होता है देखने को मिला। अब कार्बन प्रति, यहाँ से आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कैसे, इसकी ट्रिक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वीरिंग गोल्ड सिल्वर, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिएगा। ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है, आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। इसमें से एक चित्र दिया जाएगा, उसमें चार लाइनें दी होगी और उसमें रेड येलो ग्रीन आपको दिया होगा सिल्वर वगैरह। सो रेड कितने पे, दो, सो दो, ये भी रेड दी होगी तो दो लिखना है और फिर 10 की पावर आपको, यदि ये येलो दिया होगा 10 की पावर इसमें 3 गुणक यूज होगा, यदि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे टाइम था इसलिए मैंने आपको कवर करवा दिया। बाकी अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता बढ़ती है। अब नेक्स्ट आपके, कौन से पदार्थ जो ताप बढ़ाने पर जिनकी प्रतिरोधकता घटती प्रतिरोध करता है, अर्धचालक। और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध कितना होता है, अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध आपके शून्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। और फिर मेरे को मत कहना कि आपने करवाया नहीं, तो अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है शून्य, और जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ उसमें से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ये तो लिख के ले लो। अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध होता है शून्य, अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध कितना होता है शून्य, और अतिचालक पदार्थों की चालकता होती है अनंत, चालकता पूछी जा सकती है एग्जाम में, अनंत होती है अतिचालक। और अतिचालकों की स्थिति ये कुछ ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एन R, और यदि हम समांतर क्रम में जोड़े पैरेलल में जोड़े तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एन 1/R अनंत। सेल एक युक्ति है, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में करता है, ये आपके सेल होता है। ये यहाँ से आपको कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिल जाता है, वो इस फॉर्मूला से देखने को मिलता है, ये आपको रिलेशन याद रखना है, वी बराबर ई माइनस आई आर, बस ये रिलेशन याद रखो और आपका काम हो जाएगा। आई बराबर होता है ई अपॉन में आर प्लस आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ ये क्या है आपके विद्युत वाहक बल है, टर्मिनल वोल्टता वी है और आंतरिक प्रतिरोध आपके आर है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और ये आपके आगे काम आने वाला है। ये रिलेशन आपको कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। बाकी आपके इस चैप्टर का अगला जो देखने को मिलता है विद्युत शक्ति का मान, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो विद्युत शक्ति का मान पी बराबर वी अपॉन में डी, ये आपको याद रखना है, और वी अपॉन में टी। और इसमें से अगला आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है किरचॉफ के प्रथम नियम के आधार पर किसी संधि पर विद्युत धाराओं का मान शून्य होता है, कॉमन सी बात है यहाँ से, तो यहाँ पे संधि पर विद्युत धाराओं का मान शून्य होता है, ये बात आपको ध्यान। और किरचॉफ का ये तो आपके लास्ट ईयर आया होगा 2022 और 2023 में से शायद एक पेपर में आया हुआ है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आवेशों के संरक्षण पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर निर्भर करता है, तो ऊर्जा संरक्षण पर, ये आपको पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है जनरली। व्हीटस्टोन सेतु एक मापन युक्ति है उच्च व निम्न अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने की, उच्च प्रतिरोध और निम्न अज्ञात प्रतिरोधों को ये आपको माप के देती है। और संतुलन स्थिति में पी क्यू बराबर आर अपॉन में एस होता है, आप लोगों को पता होगा। और यदि यदि व्हीटस्टोन में बैटरी व धारा मापी की स्थिति बदल दी जाए, बैटरी व धारा मापी की स्थिति को बदल दिया जाए ना, बैटरी लगी हुई और धारा मापी लगा हुआ है, सो उसकी आप स्थिति बदलोगे तो आपके ये अपरिवर्तित रहेगा, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में सारा कुछ दिया होगा, बढ़ जाएगी घट जाएगी और फिर अपरिवर्तित दिया होगा, सो अपरिवर्तित आपको देखने को मिलेगा आंसर में। मीटर सेतु खैर आपके सिलेबस में है नहीं, सो ये मैं नहीं करवाने वाला। सो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, अब मैं एमसीक्यू पर लेकर चलता हूँ आपको। सो चलिए एमसीक्यू पर चलते हैं। सो अब हम लोग आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू, और सबसे पहला एमसीक्यू आपके ये है, एक चालक में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ओके, चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, तो आपको रिलेशन पता होगा I बराबर Q बाय T होता है,
सभी को पता है। सो क्यू का मान क्या होता है, क्यू बराबर एन ही होता है, आपको पता ही, आई बराबर हो गया एन ई बाय टी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए तो एन अपॉन में टी, और ई उधर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा, आई बाय ई हो गया, और टी प्रति सेकंड पूछा तो टी तो आपका ऐसे ही गायब हो जाएगा। और धारा कितनी बह रही, 4.8 एम्पियर। ओके, और फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इसको सॉल्व कर देंगे, आपके 1.6 का 4.8 पे भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 गुना, फिर ये 10⁻¹⁹ ऊपर चला जाएगा, 10⁻¹⁹ हो जाएगा। फाइनल आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट आपके देखने को मिलता है, जब किसी चालक में धारा बहती है, जब किसी चालक में धारा बहती है ना, तो इसमें से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग के परिमाण की कोटि क्या होगी। सो आपने फॉर्मूला देखा होगा, अभी आपको बताया वीडी बराबर होता है -EE τ/m। और इस फॉर्मूला ये आप लोग सर्च कर लेना या फिर कुछ भी कर लेना है, इसका जो टोटल आपके वैल्यू निकल के आती है ना, वो होती है VD/10⁻⁴, VD/10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। और फिर हम इसको, यहाँ तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, सो इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻² और 100 से गुना कर देंगे, तो फिर आपके सामने 10⁻²² सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। फिर आपके अगला क्वेश्चन से, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध आपके किस पे निर्भर करता है। सो ताप पर निर्भर करता है। आपने फॉर्मूला देखा होगा, आर बराबर रो बराबर होता है आर ए बाई एल, रो बराबर कितना होता है आर ए बाई एल। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आर किस पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है, तो ये भी आपके ताप पर डिपेंड करता है, ना कि दाब पर डिपेंड करता है, ना कि ये आपकी लंबाई चौड़ाई मोटाई पर डिपेंड करता है, और नहीं आरोपित चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक किसके लिए होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ताप गुणांक होता क्या है। ताप गुणांक वो चीज है, जैसे कि आपका कोई पदार्थ है या फिर कोई वस्तु है या फिर कोई एलिमेंट है, उसमें आपका जो प्रतिरोध होता है, जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर उस पर प्रतिरोध में क्या चेंज जाता है, वो होता है आपका ताप गुणांक। कार्बन के लिए आपके ताप गुणांक होता है वो नेगेटिव, और जर्मेनियम के लिए भी नेगेटिव, जर्मेनियम आपके सेमी कंडक्टर है, जैसे आप ताप बढ़ाओगे ना, जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे उसका प्रतिरोध कम होगा और धारा चालकता बढ़ेगी। लेकिन तांबे के लिए उल्टा है, उल्टा नहीं, तांबे के लिए सीधा है लेकिन जर्मेनियम के लिए उल्टा है। तांबे में आप जैसे ही तापमान बढ़ाओगे और उसका प्रतिरोध आपके क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और जो तांबे की चालकता है वो घटेगी। सो ताप गुणांक इसका धनात्मक होता है। बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमल्किन में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है, तो सेमीकंडक्टर आपके जर्मेनियम का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, बिल्कुल सही बात है, और इसको साइमन में मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ओम का नियम बहुत कम और बहुत अधिक तापमान के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल राइट बात है। ओम का नियम अर्ध चालकों के लिए उपयोगी, बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि ओम का नियम आपके सेमीकंडक्टर पर लागू ही नहीं होता, शुरुआत में बता दिया था। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सो एक तार की प्रतिरोधकता जो होती है वो तार की लंबाई के साथ बढ़ती है, नहीं, तार की अनुप्रस्थ काट के साथ घटती है, नहीं, तार की लंबाई के साथ घटती है, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है, नहीं, आपके इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, आपके जो पदार्थ का प्रकृति होती है उस पर प्रतिरोधकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धातु के चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो कूलम के मात्रा में प्रति मिनट प्रवाहित आवेश कितना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, I बराबर Q बाय T होता है फॉर्मूला, तो आपके आवेश पूछा है तो Q बराबर I गुना T हो जाएगा। आपको 5 एम्पीयर दिया है तो 5 गुना प्रति मिनट दिया है, 60 सेकंड कर लोगे, और 5 गुना 60 किया तो आपके 56 30, 300 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो आपका है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऊपर भी आया था, वो 3 ऑप्शन गलत थे, लेकिन यहाँ के उसके पदार्थ पर दिया हुआ है, नेचर पर, यहाँ आपके उसका आंसर हो जाएगा। तो तार के प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है, 8 आपके एक समान प्रतिरोध आर उपलब्ध है, और यदि उनमें से 2 को समांतर क्रम में जोड़कर संयोजित युग्मों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो निकाय का संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। ये आपका इसका हल है, ये और क्या होगा उसका हम लोग देख लेते हैं, कैसे जोड़ा है ये आपका। चलो हमने ये 2 जोड़ दिए पैरेलल में, इसने बोला है 2 पैरेलल में, और बाकी 4 ऐसे के ऐसे आपको जोड़ने हैं, ये 3 और ये 4 जोड़ दिए।
सबसे पहले इसका कितना आता है, आर बाई टू, ये भी आर है ये भी आर है, आपको पता ही क्या होता है आर बाई एन होता है। सो ये दो प्रतिरोध है, आर बाई टू आएगा, आर बाई टू आएगा, और ये कितने टोटल चार है, क्योंकि आठ प्रतिरोध टोटल मिला के, समझ में आ रहा है ना। तो आर बाई टू गुणा चार करोगे तो दो से चार कटेगा और टू आर आपके फाइनल ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया जाएगा। घरों में जो आपके आने वाले प्रकाश बल्ब होते हैं उसको किस में जोड़ा जाता है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके चार समान लंबाई के तार हैं, उसका प्रतिरोध 10 ओम है और वर्गाकार के रूप में जोड़े गए हैं, इस प्रकार से जोड़े गए हैं, ये आपका वर्ग है, और दो विकर्ण सम्मुख शेष बिंदुओं के मध्य आपका कुल प्रतिरोध कितना होगा, दो विकर्ण के मध्य पूछा है, तो आपके इधर हो जाएगा 10, चारों आपके 10-10 के है ना, 10-10 ओम के, सो ये भी 10 ये भी 10 दोनों आपके श्रेणी क्रम में सीरीज में 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, इसका आधा कितना हो जाएगा 10, 10 ओम आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक तार को चार समान भागों में जोड़ा गया है, एक तार को चार समान भागों में जोड़ा गया है इस प्रकार से, और आपके चारों तारों के सिरों को एक साथ संयोजित कर दिया गया है, एक साथ संयोजित कर दिया गया है, और इस संयोजन का तार की तुलना में प्रतिरोध कितना होगा, सो आर बराबर इसका आर बाई फोर हो जाएगा, और फिर आपके चार तारों को चार भागों में बांटा गया है तो आर बाई फोर को 1.4 से गुणा कर देंगे, सो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आर बाय 16, आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आप अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पूछा गया है, यहाँ आपके व्हाइट स्टोन ब्रिज है आपको दिख रहा है, ऐसा जब भी आपको देखने को मिला तो व्हाइट स्टोन ब्रिज है, और व्हाइट स्टोन ब्रिज का क्या होता है, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, सबका प्रतिरोध सेम होता है, तो इसमें आ जाएगा आपके 10 प्रतिरोध के, ऐसे ही आप लोगों एक और ये भी आपका प्रतिरोध क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके व्हाइट स्टोन ब्रिज में कितना होता है, शून्य होता है। अगर मैं बात करूँ किरचॉफ के प्रथम नियम की, ओ ये आपके क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा भी गया है, सो किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम किस पर निर्भर करता है, आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो, सो धारा प्रवाहित कब करेगा, जब लोड प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक बार आपके आरयूएचएस शायद 2017 में पूछा गया था, सो चित्र में धाराओं को एक जाल दिखाया गया, सो इसमें से आपको टोटल धारा का मान आई का मान निकालना है, सो आपको बताइए यहां से 6 ओम, यहां से 4 एम्पीयर की धारा गई, यहां से 6 एम्पीयर की धारा गई, और फिर यहां से 1 एम्पीयर की धारा आई, आपकी टोटल जो धारा बनती है और यहाँ से 2 एम्पीयर की आई है और यहाँ से 1 एम्पीयर एक्स्ट्रा आई है, सो 10 यहाँ से हमने दी थी 10 और फिर ये आपकी हो जाएगी 13 एम्पीयर। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए, बाकी ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वितरण में आई का मान कितना होगा, सो दिए गए इसमें आई का मान हो जाएगा, ये पूछा गया है आपको आई का मान, सो क्या होता है नॉर्मली जितनी आने वाली धाराएं निकलने वाली धाराएं समान होती है, सो ये आपके 2 एम्पीयर है, ये आपके 2 4 कितने हो गए 6 और ये 5 और 3 8 हो गए, तो ये आपका हो जाएगा 2 एम्पीयर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका देखने को मिल जाता है दिखाई गई प्रतिपथ में ए और बीच के बीच विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर आपके हो जाएगा 20, जो चित्र दे रखा है वो आपका विभवांतर के बराबर 0। अब आपका एमसीक्यू पूरे हो चुके हैं और जो मैंने शॉर्ट नोट्स करवाए हैं उसी में से एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सो वो आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए, आपको फॉर्मूला वगैरह याद हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपके रिमेंबर हो जाएंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस, थैंक यू।